नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसंत ए वीडियो माध्यम रे जानिबा एक्चुअली प्रथम विश्वयुद्ध कोन पई हेतिला, प्लस ए युद्धर भयावहता एते भावरे थिला वर्तमान पर्यंत भी विश्व कोठिना कोठी यार जो परिणति भुगुची। तेणु एक्चुअली कोन हेतिला प्रथम विश्वयुद्ध रे डिटेल्स आमे चर्चा करिबा। ए वीडियो रे देखिबा एक्चुअली केबे स्टार्ट हेतिला, केबे एंड हेतिला, प्लस युद्धर कारण एक्चुअली कोन थिला, प्लस डैमेज कोन हेतिला, किए जीतिथिला किए हारिथिला, प्लस पूरा विश्व पई कौ कौ इंपैक्ट थिला ए युद्ध माध्यम रे। यदि आमे कहिबा केबे स्टार्ट आउ केबे एंड हेतिला, 1914 रे एक्चुअली विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ हेतिला, 1919 रे प्रथम विश्वयुद्ध एक्चुअली शेष हेतिला। सबुठ बड़ कथा उठुची एक्चुअली ये जो कारण कौन थिला प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ हबार, एक्चुअली जो प्रथम मुख्य कॉज थिला सेटा एक्चुअली कौन थिला। ये जो आपण पिक्चर देखि पारुछन्ती ये होउछन्ती ऑस्ट्रिया हंगेरी रो किंग किंबा राजा, याकु एक्चुअली 28 जून 1914 रे कोठी मरा जायतिला ना सराजेवो बाय द बोस्निन सर्व नेशनलिस्ट, जणे सर्बिया नेशनलिस्ट आंकु एक्चुअली ऑस्ट्रिया हंगेरी रो राजा ये याकु मारैथिले कोठी ना आमे कहि परबा बोस्निया रे जाईकि मारैथिले। दिस इवेंट ट्रिगर टू द सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। तो ए जो कोनोसी देश रे राजा को किबा प्रधानमंत्री को मारिबा छोटो कथा नु, तेणु ए जिनस से ही रिजन में प्रथम तो एक्चुअली टेनसन किंवा आम कहींपर प्रॉब्लम क्रिएट है, बट से प्रॉब्लम धीरे 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 गुठ बांधिकी अलका अलका देश मैंने किए सपोर्ट रे गले तो किए अगेंस्ट रे गले, तेणु सी गोटे बड़ धरण आम कहींपर गोटे ग्रुप टाइप स्टार्ट है। देखिपे ये जो राजा थे कौटी ना ऑस्ट्रिया हंगेरी राजा थे, आसी कौटी की ना बोस्निया जार कैपिटाल हूँ सर्जाव्यू, तो ये किए माइला सर्बिया नेशनलिस्ट आसिक ये माइले। अफकोर्स कौटी ना कौटी ये तीन देश तो इनवल्व प्रथम रहीगले, तो या परे एक्चुअली राजा मरवा पर बाकी सब पखापाखी देश इवेन कि पाखे जी भी नहीं आम कहींपर फ्रांस होगला, यूके होगला, आमेरिका होगला, जापान होगला, समस्त एक्चुअली युद्ध को कूदी पड़े। तेणु दुईटा ग्रुप ये या किए किए फर रहा किए किए एगेन्स्ट रहा, तेणु गोटे पार्टी है एलायड पावर जो थी आम कहींपर कि फ्रांस थिला, रशिया थिला, यूके थिला, इटाली, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, सर्बिया, बेल्जियम, पोर्तुगाल, रोमानिया, एमाने सबू एलायड पावर रहिले, इन द सेंस ऑस्ट्रिया हंगेरी एगेंस्ट रहिले। तेणु जो आम कहींपर सेंट्रल पावर, ये सेंट्रल पावर किए रही जर्मानी रहिला, ऑस्ट्रिया हंगेरी रहिला, ऑटोमान एम्पायर रहिला, बल्गेरिया रहिला। खैर ऑटोमान एम्पायर से एक्चुअली 1914 बेलू एक्चुअली बहुत वीक हो जाता, बट तथापि जहाँ भी पावर थी सी एक्चुअली कहा सहित मिशिला ना जर्मानी, ऑस्ट्रिया हंगेरी। जदि आम सब बड़ ये युद्ध को विशेष करके बुझा ज्यादातर युद्ध होता क्या क्या भितर ना जर्मानी, ऑस्ट्रिया हंगेरी गोटे पटे प्लस ऑटोमान एम्पायर आउ गोटे पटे आम कह बड़ बड़ देश जहाँ कहुच्छे यूएसए थिला, जापान थिला, फ्रांस थिला, यूके थिला। तेणु जो जर्मानी, ऑस्ट्रिया हंगेरी आंक पार्टी की कहुच्छे कौन सेंट्रल पावर, से पार्टी कौन कहुच्छे ना आम कहींपर कौन एलायंस पावर। तेणु ये युद्ध एक्चुअली रेजल्ट कौन होता सब बड़ कथा देखो, ये युद्ध पर निश्चित भाव जर्मानी को हारिबा कि हार स्वीकार करने बाध्य जर्मानी को ट्रिटी साइन कराई एग्रीमेंट साइन कराई कि भाई साहब तुम्हें जो एत सब भूल कम करापी तुमको दंड भोग पड़ो, तो सर ट्रिटी ना कौन थी बहुत इंपोर्टेंट ट्रिटी ऑफ वर्सायल कौटी साइन होता ये जो आप इमेज देखिपुट मिरर इमेज जोटा कि आम कहीपर फ्रांस रेटा अच्छी प्यारिश रे, तो जो किंग्स लुई आईवी बनई थे ये मिरर हॉल ऑफ मिरर को सही जगार एक्चुअली जाकि एग्रीमेंट कराई का सहित ना जर्मानी आम कहींपर ऑस्ट्रिया हंगेरी ऑटोमान सेम्पायर एम बसी एक्चुअली ट्रिटी रे साइन कले कौन साइन कले ना ट्रिटी इम्पोज द सीभीयर पेनाल्टीज अन् द जर्मानी, जर्मानी उपर बहुत बड़ पेनाल्टी लगे कि भाई साहब तुम्हें जो प्रकार युद्ध कर द्वारा पूरा विश्व बहुत क्षति सही तेणु तुम्हें प्रत्येक वर्ष किसी पैसा दब जहाँफल कि अलग अलग जगार विभिन्न प्रकार काम हे इनक्लूडिंग टेरिटोरियल लॉसेस, जर्मानी जो विभिन्न प्रकार युद्ध करके किसी जगह नहीं जाइए हाथ नहीं से जगह को पाखु छड़े निहला देन डिसआर्ममेंट जर्मानी पाखु अस्त्र शस्त्र रखी पारे कहला प्लस वार रिपेयरमेंट युद्धपाई जो क्षतिपूरण से एक्चुअली जर्मानी प्रत्येक वर्ष दब हाइली डैमेज टू द पूरा वर्ल्ड आम कहरा पूरा विश्वपाई ये गोटे पूरा बहुत बड़ डैमेज ताने छोट डैमेज कारण विश्व में प्राय मेजर मेजर कंट्री जेहेतु वर्ल्ड वार वन सामिल थे समस्त सैनिक मरवा प्लस बहुत अस्त्रशस्त्र यूज हवा खाद्यर अनाटन हवा ये सब जिन कौटी ना पूरा विश्व को गोटे प्रकार प्रॉब्लम कर देता। रिजोल्यूशन ऑफ द एम्पायर बहुत सारा एम्पायर यहाँ पर भांगी कौटा कौटा ऑस्ट्रिया हंगेरी अलका ही जाइए आम कहींपर
ଅଟୋମାନ୍ସ ଏମ୍ପେୟାର ରଷିଆ ଏମ୍ପେୟାର ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ରିପାର୍ଟିସନ ହେଇଥିଲା କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଅଧିକା କାହା ଜାଗା ନେଇଯାଇଥିଲା ତ କାହାର ଜାଗା ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇଲ୍ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ପୁରୁଣା ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆହେଲା ଜର୍ମାନୀ ଜ୍ୟାଦାତର ଯାହା ପାଖରୁ ଜାଗା ନେଇଥିଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ କରାଇଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜର୍ମାନୀ ତ ବାଧ୍ୟରୁ ଆସିକି ସାଇନ୍ କରିଦେଲା ବଟ୍ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ କ୍ରିଏଟ୍ ଥିଲା କି ଭାଇ ସାହ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତିଆ ସାଇନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନେବି ଏଇଠି ପିକ୍ଚରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ହିଟଲର ଭାଇ ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର ହିଟଲର ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ଆର୍ମିର କାମ କରୁଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ପାଇଁ ସିଏ ଧୀରେ 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 ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ 1930 ବେଳକୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେ ନାଜି ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବିଲକୁଲ ନାଜି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଯେଉଁ ଆଡଲଫ୍ ହିଟଲର ୟାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଭର୍ସାଇଲ୍ରେ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାର ରିଭେଞ୍ଜ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ନେବା ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିଉ ମଲେ ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶ ଉପରେ ହିଟଲର ଆଟାକ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବାକି ଜିନିଷ କମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ।